में सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं आर आई एंटरटेनमेंट, जहाँ आप देखते हैं रिएक्शंस। सो आज मैं करने वाली हूँ रिएक्ट पी फॉर पकाओ की वीडियो पर, जिसका टाइटल होगा फर्नीचर प्रैंक्स। सो देखते हैं कि इस बार ये लोग क्या करने वाले हैं, किसका उल्लू बनाने वाले हैं। गाड़ियाँ खड़ी करते, तू कोच करा गया? हाँ इस्लाम, हाँ फौरन दुकान पहुँच, दुकान पहुँच फौरन। हाँ फर्नीचर मैंने ऑर्डर किया था आपकी शॉप पे। अच्छा, ये तो आज की डेट लिखी हुई है जी, आज डिलीवर होगी जी। सर हुकुम। बस यार बस कुछ फॉर्म चाहिए, मल्टी फॉर्म। अच्छा, साइज क्या है? साइज किंग साइज चाहिए, क्वीन साइज चाहिए, मतलब बड़ा चाहिए? पूरा खानदान एक ही गद्दे पे सोएगा? नहीं भाई, स्टैंडर्ड साइज है वो चाहिए जी। आपको ना एक बेड चाहिए 6x6.5 का। 6x6.5 का? 6x6.5 का लकड़ी का बेड हो, लकड़ी का हो, अच्छी नस्ल का हो। अच्छा, ये आपका फर्नीचर है जी? ये आज की डेट है ना जी, अभी मैं पहुँचा देता हूँ। हाँ हाँ, रजाक जांगड़ा कहाँ है? हैं कहाँ, अभी अभी इस वक्त कहाँ है? सांगड़। अबे तो जाहिल के बच्चे, सांगड़ क्या करने चला गया तू? अच्छा रुक, थोड़ी देर रुक। अच्छा ओ यार, आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरे तो रिहाइश शादमान पे। शादमान पे? हाँ। यार ये बंदा वो कह रहा है यार, वो दो कट जा रहे थे, एक हाईवे का था एक शहर का था। ये तो भाई मैं आपके पास पर्ची लेके जब आऊंगा। बात तो सुने, बात तो सुने, वो दो कट आए थे हाईवे का और शहर का, वो हाईवे पकड़ के सांगड़ निकल गया। हमारी पॉलिसी ये है कि जब ये गद्दा आपके घर जाएगा तो सुजुकी में एक बंदा हमारे साथ जाएगा आपके घर। कोई मसला नहीं, वो बकायदा कमरे में भी जाएगा। क्यों? एक हफ्ता कमरे में सोएगा, गद्दा चेक करेगा। इसके पास भेजा, ये तो ऑर्डर मेरा था, तो आपने कैसे किसी और को दिया? ओए होए होए, तो अभी एक काम करते, मसला हल करते हैं अभी। ये मेरी वालदा का एक है फर्नीचर ना पुराना, तो करवा दूँ अभी, चलेगा इमरजेंसी में। यार भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे शादी में देना आप पुराना फर्नीचर दे रहे हो? नहीं वो भी शादी का ही है। शादी का? कब का शादी का? अभी अभी शादी हुई आपके वालदा? नहीं नहीं, मेरा ख्याल 90 की दिहाई में हुई थी। मैं क्या करूँगा, लेकिन नया अम्मी ने इतनी मेंटेन रखा है कि वो नया है, बिल्कुल नए जैसा है। अच्छा देखिए, बात यह है कि थोड़ा करीब आ जाए, बात यह है कि बेड तो है हमारे पास, नए भी हैं जी, थोड़े हमारे पास चोरी के बेड भी हैं, समझ रहे हो? दो नंबर, समझ रहे हो? नहीं भाई, दो नंबर वाला चक्कर नहीं चाहिए मेरे को। दो नंबर बेड ले जाओ, कोई गलत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं होगी। आप गारंटी नहीं दे मुझे, मैंने पैसे देने पूरे, मुझे बिल्कुल असली वाला अच्छा बेड चाहिए। संदल की लकड़ी खुद बनवाते हैं, संदल की लकड़ी का फर्नीचर का नहीं चाहिए भैया। तो हमारा बंदा साथ जाएगा और रात को बकायदा जो गद्दे पे सो रहा है 3-3, 4-4 बजे उससे उठ के पूछेगा कि गद्दा कैसा है, समझ रहे? इसे वो मेरी राइटिंग में देंगे, लिख के रसीद पे लिख के देंगे मुझे कि यार ये सारी पॉलिसी है हमारी, गारंटी वारंटी मैं सब दूंगा। नहीं गारंटी नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं मुझसे, आप पता है क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप बहुत लीगली, क्या बात कर रहे हैं लीगली आप? मैं तो जायज बात कर रहा हूँ। आप लीगली बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्या क्या गलत है इसमें? गलत, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। किसी के घर बड़े भाई एक गद्दा लेने के, मैं क्या हाई कोर्ट से पेपर बनवाऊं जाके? एक गद्दा ले बेचने के लिए आपको समझा दूं, आपको पता है हाईली सिक्योरिटी रिस्क है ये जी। सिक्योरिटी रिस्क जी? आप गारंटी देते हैं उस आदमी की घर पे एक हफ्ते तक मैं उसको घर पे रखूं? एक काम कर दो, अभी देखो इमरजेंसी जो चलाना है ना, एक काम इमरजेंसी, अभी मैं एक पलंग बनवा देता हूँ, ठीक है? दो नहाने वाले पटरे। भाई ये क्या क्या कौन सी दुकानदारी कर रहे हो भाई यार? अब दो घंटे में तो यही बनेगा। नहीं तो यार ये तो मैंने तो कब से 10 दिन पहले से बुक करवा के रखा हुआ है आपसे, 10 दिन पहले होगा, डेट देखो। यार वो याद नहीं था, वो निकल गया। पलंग बनवा देता हूँ, पटरे बनवा देता हूँ, समझ रहे हो? ये शादी में आप, ये शादी में आप ये फर्नीचर दोगे है? ये आप शादी में ये फर्नीचर दोगे आप? यार तो अभी बात करके समझा दो, अभी एक हफ्ते में आओ, ये वाला छोड़ो वो वाला ले जाओ। यही करते रहे बस हम लोग, ये आप, आपको नए के पैसे दिए, ऑर्डर दिए 10 दिन पहले से, अभी आप बोल रहे हो आपकी गलती हो गई। ओ भाई टॉप एज से निकले हुए छक्के, एड्रेस हमने ले लिया था आपको, इस एड्रेस पे हम आपको आज फर्नीचर पहुंचा देते। आपने मुझे इतलाक दी कि फर्नीचर पहुंचा रहे हैं, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। नहीं सरप्राइज क्यों दोगे आप मेरे को? दरवाजा खोला, अरे फर्नीचर आ गया, मुझे क्यों दोगे सरप्राइज भाई? यार यहाँ पे मुस्तफा, अभी बताओ अभी फर्नीचर का क्या करना है? अबे भाई सबर यार, मुस्तफा भाई जो मुस्तफा भाई जरूरी काम से सो रहे हैं यार, मुझे अभी के अभी फर्नीचर चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। गाड़ी वाला आप बुलवाओ, फर्नीचर मुझे चाहिए। मैं काम करता हूँ, मेरी एक और जगह सेटिंग है, मैं गरीबाबाद से आपको फर्नीचर करवा देता हूँ अभी। भाई गरीबाबाद से किस बात का फर्नीचर करवाओगे आप?
आपको पैसे दिए मैंने तो क्या करूं, क्या दरख्त की लकड़ियां काट के ठोकूं अभी और क्या करूं भाई? ये कोई तरीके का नहीं हुआ, तुम मुझे क्या बावला समझते हो? यही 10 दिन पहले से मैंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर दिया हुआ है तो निकल गई ना यार सुजुकी, और क्या करूं मैं? अरे क्यों, ये कौन सा तरीका कर रही है? क्या अपने खानदान के जहेज लिया हूं यार? हाँ रजाक जांगड़ा, तेरे को कितना टाइम लगेगा? चल ठीक है ओके ओके ओके। यार 2 दिन कह रहा भाई, कल शादी है, मैं करूंगा क्या ये बताओ यार। अबे तो भाई कल को दरी वरी बिछा के लिटा दो और क्या करें? क्यों दरी बिछा लूं? आप बिछाओगे अपने बच्चे की शादी में इस तरह दरी? यार अगर कोई मसला होगा तो क्यों दरी नहीं बिछाएंगे यार? नहीं भाई, मुझे आज की तारीख में फर्नीचर चाहिए, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। आप मना करोगे आज फर्नीचर नहीं मिलेगा? देखो मैं आप हो कौन भाई? मुझे फर्नीचर चाहिए आज, बस फर्नीचर चाहिए, मैं बैठा हूँ यहाँ। फर्नीचर नहीं है आज, मुझे चाहिए अभी। और फर्नीचर नहीं है? कैसे नहीं है फर्नीचर? मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई गलत नहीं होगी तो फर्नीचर आप क्यों नहीं ले रहे? चोरी का लो, चोरी का चलाओ, समझ रहे हो? नहीं आप, मैं मुझे आप शक्ल से मैं क्यों आपको चोर लगता हूँ? शक्ल से तो आप मुझे एक्सपायर खरबूजे लग रहे हैं। बात है अच्छा, ये किस तरह की बात है? किस तरह की बात कर रहा हूँ? रोमांटिक बात कर रहा हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? रोमांटिक बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं बन सकते आप, तहजीब नहीं है आपके अंदर। मैं बैठ लेने आया हूँ, आप बैठ दे रहे हो, आप मुझे ये बैठ दे रहे हो, कमाल है यार। इंसानियत ही नहीं है आपके अंदर भाई? वो भी बैठे कहाँ की दुकानदारी कर रहे हो यार आप? भाई मुझे अभी चाहिए फोन यार, मैं दुकान तुम्हारे दे रहा हूँ। आज की डेट है यार, हाँ यार, झगड़ा आ गया, वो कैमरा लगाया हुआ। आज की डेट है, आपका फर्नीचर आज ही मिलेगा। तमीज आदमी मजाक कर रहे सर, सर मजाक कर रहे हैं, हमने मजाक किया आपके साथ। इस टाइम पूरी दुनिया आपको देख रही है, उसको 2 मोचड़े करा दिए आपने, हाथ ला दे मोहब्बत से, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। और ये बोलते हैं पी फॉर पकाओ को सब्सक्राइब करे, पी फॉर पकाओ को भाई, मेरे को मुंह देख के बोला लेकिन बोल दिया। दूसरे गेंद में फंसाया लगे। सो गाइस क्या था वीडियो में ना, मतलब किस तरीके से फर्नीचर लोग आते हैं और किस तरीके से ट्रीट किया है, और फिर पिट भी गया वो बेचारा लास्ट में प्रैंक में। पता है इतना इजीली कोई पिट नहीं जाता है, लेकिन ये बेचारा तो पिट गया, अच्छे से पिट गया। बहुत मजा आया इस वीडियो में, बहुत फनी था, आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इतना कर सकते हैं, एंड कमेंट करें अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट करना बनता है, बिकॉज बहुत अच्छा वीडियो था। पकाओ तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत फनी था, बहुत मस्ती भरा था। सो देखते रहिए आई एम टीन में, बाय बाय।